नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे। मैं स्टूडेंट हूँ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का, ज्ञान सर का, और पिछले 8 से 10 महीने से इनके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ थ्रू देयर ग्रुप, उनके ग्रुप में। और मैंने UPPCS का एग्ज़ाम भी दिया है अभी, मेंस का। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि IB ACIO का रिज़ल्ट आ गया है 1-2 दिन पहले, और फाइनल लिस्ट में मेरा सिलेक्शन हो गया है। एंड IB के कुछ क्लॉज हैं जिसकी वजह से मैं अपना नाम और रोल नंबर आपको नहीं बता पा रहा हूँ, और मैं आपसे आज आया हूँ अपनी स्ट्रैटेजी डिस्कस करने कि मेरा सिलेक्शन जो है फाइनल लिस्ट में कैसे हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मैं IB ACIO प्रीलिम्स एग्ज़ाम में 4 पार्ट्स होते हैं। ये सिमिलर होता है SSC CGL की तरह, और इसमें 4 पार्ट्स होते हैं जिसमें मैथ्स क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड आता है, इंग्लिश आता है, रीजनिंग आता है, जनरल अवेयरनेस आता है। तो देखते हैं मैथ्स के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिससे आप मैक्स टू मैक्स मार्क्स लेके आ सकें। मैथ्स में 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 नंबर के आते हैं, ऐसे ही बाकी पार्ट्स में आते हैं तीनों में। रीजनिंग में भी 25 आते हैं, इंग्लिश में भी 25 आते हैं, और जनरल अवेयरनेस में भी 25 आते हैं। तो टोटल जो प्रीलिम्स होता है वो 100 नंबर का होता है। तो मैथ्स में पर्टिकुलरली देखते हैं आप इसके अंदर स्पीड, डिस्टेंस, टाइम और के 7 क्वेश्चन आए थे इस बारी, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। टाइम एंड वर्क, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें से 1 क्वेश्चन आया था, लेकिन अल्टीमेटली कभी ना कभी ज़्यादा भी आ जाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें से भी 1 क्वेश्चन आया था। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से भी 1 क्वेश्चन आया था, जिसमें से कंपाउंड इंटरेस्ट की पॉसिबिलिटी कम रहती है आने की, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट से 1 क्वेश्चन आया था, और प्रोबेबिलिटी बनी रहती है ज़्यादा आने की, क्योंकि आसान टॉपिक है और फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, कोई बहुत ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चंस नहीं आता, एक्सेप्ट फॉर 2 से 5 क्वेश्चन जो कि एग्जामिनर जानबूझ के सेट करता है ताकि बच्चों को दिक्कत हो क्वेश्चन सॉल्व करने में और टाइम वेस्ट हो। और एवरेज से क्वेश्चन काफ़ी आते हैं इस बारी, एवरेज और एवरेज स्पीड से, जिसमें से अराउंड एवरेज से आए थे 4 क्वेश्चंस और स्पीड से आए थे 3 क्वेश्चन। तो कुल मिला के 9 क्वेश्चंस आपके आ गए थे। ठीक है, अब ये आपका मैथ्स का हो गया, जो जो क्वेश्चंस आए थे, कैसे कैसे आए, किस किस टॉपिक से आए थे। आई होप आप सबने ये टॉपिक्स मेंशन कर लिए होंगे, लिख लिए होंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आए दिन इसमें हर पेपर जो आप देंगे इसमें मैथ्स आती है, उसमें से इनमें से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो मैथ्स के लिए पर्टिकुलरली आप कहाँ से तैयारी करें, ये मेरे को आपको बताना ज़रूरी है, क्योंकि मैथ्स बहुत वास्ट टॉपिक है, हर जगह क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, हर एक चीज़ है। डजेंट मैटर, कहीं से भी कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर SSC CGL के आप लेके आ जाइए। आजकल किरण की कोई किताब आती है, वो बहुत मोटी सी किताब आती है, जिसमें से 9600 या 5500 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं उसमें, और मैं चाहूँगा कि सारे नहीं तो एटलीस्ट जो जो मैंने आपको टॉपिक बताया इन पे आप सारे मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर सकें और प्रैक्टिस रखें ज़्यादा, लगातार। रेगुलरिटी इज़ द की, रेगुलर रहोगे तो निकाल लोगे, आपको रेगुलर रहना है बस, मेन चीज़ ये है, और प्रैक्टिस करते रहना है। जो जो मैंने टॉपिक बताए इन पे ज़रूर करें, बिकॉज ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जिनमें से क्वेश्चन आए दिन आते ही आते हैं हर एग्जाम में। सो नेक्स्ट जो आता है वो इंग्लिश आता है। इंग्लिश में वोकैबुलरी आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है, उसमें से 6 क्वेश्चन आए थे। ईडियम और फ्रेजेस से आए थे आपके 6 क्वेश्चंस, ईडियम और फ्रेज से आए थे आपके 5 क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक से आए थे आपके 5 क्वेश्चन, एरर और स्पॉटिंग से आए थे आपके 3 क्वेश्चन, मिसलेनियस बाकी जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इन सब में से भी 3 क्वेश्चन आ गए थे। तो कुल मिला के आपको इंग्लिश के लिए कैसे टैकल करना है, क्योंकि वोकैबुलरी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है आजकल, आपको आगे जाके मेंस में एसे राइटिंग का भी होता है, तो वोकैबुलरी को आप कैसे टैकल करें। देखिए, गूगल प्ले स्टोर पर आपके फ़ोन में जो ऐप है, एक ऐप आती है Vocab 24, या तो वो आप डाउनलोड कर लें, और उसमें डेली आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो डेली हर न्यूज़पेपर के जो आर्टिकल्स हैं उसमें से इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी उसमें आ जाती है। तो जितने भी आपके पेपर होते हैं जिसमें वोकैबुलरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो क्वेश्चंस आते हैं वोकैबुलरी के मीनिंग्स के, तो आप उसमें से सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको रेगुलर रहना पड़ेगा और याद करने पड़ेंगे, ट्राई टू मेक नोट्स ऑफ इट,
थोड़े थोड़े कम से कम नहीं तो दिन के 5 से 10 वोकेबलरी भी आपने बना लिए, लिख लिए उसमें इंपॉर्टेंट हर दिन के, और उस पर क्वेश्चन बना लिया, इसे यूज़ कर लिया नॉर्मल सेंटेंस में किसी में, तो आपको ज़्यादा चांस रहेगा याद रहने का, तो वोकेबलरी वहाँ से आपकी कवर हो जाएगी। बाकी जो पार्ट है वही प्रीवियस ईयर पेपर SSC CGL वहाँ से आप प्रैक्टिस करिए, ईडीएम फ्रेजेस वहाँ से भी कवर हो जाएंगे आपके, फिल इन द ब्लैंक्स भी वहाँ से कवर हो जाएंगे आपके, एरर स्पॉटिंग है वो भी आपका कवर हो जाएगा वहाँ से, और बाकी मिसलेनियस में तो एंटोनिम्स सिनोनिम्स, मैं आपको ये बता दूं कि एंटोनिम्स सिनोनिम्स की लिस्ट बहुत बड़ी होती है, तो अगर टाइम हो तो बेटर है कि हर दिन आप 50-50 एंटोनिम्स, जैसे एंटोनिम्स मतलब विलोम शब्द हो गए, सिनोनिम्स सिनोनिम मतलब जैसे सिमिलर मीनिंग होते हैं, पर्यायवाची टाइप हो गए, ये 50-50 हर दिन आप कर लीजिए सॉल्व। सो इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस हैं जो कवर अप मैंने बता दिए कैसे करना है आपको, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और कैसे आपको उसके लिए टैकल करना है। आपका डेली रूटीन होना बहुत ज़रूरी है, न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है, नो डाउट। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग के लिए मैं पर्टिकुलरली आपको पहले ही बता दूं कि ज्ञान सर ने एक वीडियो बनाई है शॉर्ट ट्रिक्स एंड टिप्स, जिसमें आपको रीजनिंग के कुछ फॉर्मूलेस दे रखे हैं फिगर वाले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, वो इम्पॉर्टेंट है और उसे ध्यान रखिए। और भी कुछ जो वीडियोस हैं जो इम्पॉर्टेंट है इसके लिए, वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा अभी थोड़ी देर में, जैसे ही अपलोड होगी वीडियो। एंड मैं आपको बता दूं रीजनिंग भी है उसमें 25 क्वेश्चंस आते हैं, इसमें मेन जो आते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग से 3 क्वेश्चन आते हैं, ब्लड रिलेशन से आते हैं इसमें 3 क्वेश्चंस, 1-3 क्वेश्चंस। ठीक है, ऑर्डर और रैंकिंग से आते हैं, कोडिंग डिकोडिंग से आते हैं, अल्फाबेट वाले आते हैं, और अराउंड कोडिंग डिकोडिंग से 2 आते हैं, अल्फाबेट सीरीज और से आते हैं 3, नंबर सिस्टम नंबर सीरीज से 1-1 क्वेश्चन आते हैं, साइलॉगिज्म से आते हैं 2 क्वेश्चंस। मेन जो है आपको इसे टैकल कैसे करना है ये बताना बहुत ज़रूरी है। रीजनिंग के लिए और हर पार्ट के लिए आपको SSC CGL की तरह ही इसे फॉलो करना है, आपको रेगुलरली क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जो हर क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चंस जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आजकल हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, तो ये तो मस्ट है, ये करना तो बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, तो ये ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा। और ये प्रीवियस ईयर पेपर्स SSC CGL के रीजनिंग के ही सॉल्व कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। SSC CGL पे एक पूरा पैटर्न आधारित है, बस थोड़ा सा ये है कि SSC CGL का पैटर्न थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, आई मीन टू से कि थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, लेकिन ये जो है कंपेरेटिवली उससे ईजी आते हैं। लेकिन और हर जो टॉपिक है जैसे इंग्लिश रीजनिंग जनरल अवेयरनेस, हर एक में 5 से 10 क्वेश्चन जो है एग्जामिनर कोशिश करता है थोड़े मुश्किल बनाने की, ताकि थोड़ा पेपर का लेवल रहे। तो रीजनिंग मैंने आपको बता दी है, जनरल अवेयरनेस के लिए आपको न्यूज़पेपर्स अल्टीमेटली, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जनरल अवेयरनेस के लिए ज्ञान सर की वीडियोज़ जो सर रेगुलरली अपडेट करते हैं वो ज़रूर पढ़ें, ज़रूर देखें, क्योंकि मेरा मैक्सिमम जो पोर्शन कवर हुआ है उनकी वीडियो से हुआ है, प्लस उनकी टेस्ट सीरीज़ से मैक्सिमम क्वेश्चंस मुझे लगा कि आए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस उठ के आए हैं और सिंपल क्वेश्चंस आए हैं, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं आया कि आपसे ना हो पाएँ। तो ये ज़रूर बोलूँगा मैं आपको कि रीजनिंग इसके जनरल अवेयरनेस के लिए आप ज़रूर फॉलो करें ज्ञान सर को, क्योंकि उसमें हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी साइंस एंड टेक स्पोर्ट्स कंप्यूटर्स के इकोनॉमी के स्कीम्स के पर्टिकुलरली स्कीम्स के 3-3 क्वेश्चन, जो ये सारे क्वेश्चन जो हैं सर की जो जनरल अवेयरनेस की और इसके जो वीडियोस बनाते हैं सर रेगुलरली, उन पे आप देखते रहें, ध्यान रखें, और उनके टेस्ट सीरीज़ अगर हो सके तो ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपको पहुँचाने वाली है इस एग्ज़ाम में। मेरे जनरल अवेयरनेस में 25 में से 22 क्वेश्चन ठीक थे और 3 क्वेश्चन मैंने नहीं किए थे, क्योंकि वो थोड़े से टिपिकल आए थे, और मेरे को जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है तो अराउंड 50% क्वेश्चन जो थे वो सर के उसमें से टेस्ट सीरीज में से डायरेक्टली उठ के आए थे, और जो सर डिस्कस करते हैं वीडियोस में उसमें से आए थे। तो दोस्तों ये प्रीलिम्स का पार्ट खत्म हुआ, और मेंस के लिए मैं आपको टिप बता दूं कि मेंस होता है 50 नंबर का, प्रीलिम्स होता है 100 नंबर का, मेंस 50 नंबर का, और इंटरव्यू होता है 100 नंबर का। सो मेंस के लिए मैं आपको थोड़ी टेक्निक्स बताता हूं मेरी कि मैंने क्या फॉलो किया, जिसकी वजह से मेरे मेंस में जो मुझे लगता है कि मैक्सिमम मार्क्स कवर हुए। और मेंस के लिए मैं आपको बता दूं, मेंस में इसमें प्रिसाइज राइटिंग आती है, कॉम्प्रिहेंशन आता है 10 नंबर का, प्रिसाइज राइटिंग आती है 10 नंबर की, और एसे राइटिंग आती है 30 नंबर की, 30 मार्क्स। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एसे राइटिंग, और
ऐसे राइटिंग के लिए आपको क्या करना होगा मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे राइटिंग के लिए आपको मेनली फॉलो करना होगा न्यूज़पेपर्स। न्यूज़पेपर्स मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इज़ द की, इज़ द इम्पॉर्टेंट की। प्लस मेरे को जो फ़ायदा पहुँचाया न्यूज़पेपर्स के अलावा, ज्ञान सर के ग्रुप में मैं मेंबर था, तो उन्होंने उनके ग्रुप में उन्होंने मुझे पर्टिकुलरली, मतलब UPPCS के अलावा भी वो हर एग्ज़ाम में हेल्प करते हैं, और पर्टिकुलरली उस पेपर में उन्होंने हमें कुछ टॉपिक्स दिए थे, एसए के टॉपिक्स जो हमें, जो हमने लिखे थे। और 400 वर्ड्स का मैक्सिमम, 400 वर्ड्स का लिखना होता है आपको ऐसे, तो उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला हमें। ज्ञान सर के जो टॉपिक्स की लिस्ट उन्होंने हमें दी थी, पर्टिकुलरली वाटर से रिलेटेड दी थी उन्होंने हमें, GST से रिलेटेड दी थी, और रिगार्डिंग वुमेन के ऊपर दी थी, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर दी थी, तो एक्सेट्रा। बाकी यह है कि आपको इसमें कैसे लिखना है, ये जो चीज़ है, ये सारी चीज़ें, ऑफ कोर्स मैंने भी कोई बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं लिखे थे, लेकिन सर की गाइडेंस के थ्रू मैं काफ़ी अच्छा उसमें परफॉर्म कर सका। तो उसमें एक कुछ नहीं, ऐसे के लिए आप क्या है, स्टार्टिंग में कोई भी ऐसे हो, जैसे मेरा ऐसे था जो मैंने पर्टिकुलरली जिस पर लिखा था, तीन ऐसे आए थे, तीन में से कुछ एक ऐसे पर लिखना होता है आपको। तो जो तीन ऐसे आए थे मैं आपको बताता हूँ क्या क्या नाम आए थे। एक सोशल मीडिया के ऊपर आया था, एक वाटर क्राइसिस के ऊपर आया था कि क्या वाटर क्राइसिस की वजह से वर्ल्ड वॉर हो सकती है, तो इसे कैसे मैनेज किया जाए वाटर क्राइसिस को, सिचुएशन को, और देर इज़ नो ऑनर इन ऑनर किलिंग, एक इस पे आया था। तो किसी भी तीन पे आप एक को, आपको एक टॉपिक चूज करना होता है और उस पे आपको ऐसे लिखना होता है। पर्टिकुलरली मैं चाहूँगा कि मैं पर्टिकुलरली कोटेशंस याद करके गया था कुछ अच्छे अच्छे थिंकर्स की, जैसे कि आपका महात्मा गांधी जी हो गए, बी आर अम्बेडकर जी हो गए, और कार्ल मार्क्स हो गए, कुछ सोशोलॉजी के थिंकर्स हो गए, इन सब की कोटेशंस, कुछ पर्टिकुलरली जो जनरल कोटेशन है जो हर चीज़ में आप यूज़ कर सकते हो, मैं याद करके गया था, और वो काफ़ी यूज़फुल थी क्योंकि मैंने स्टार्ट किया था अपने ऐसे उन्हीं कोटेशन से। मैंने जो मेरा पर्टिकुलर टॉपिक था वो था वाटर क्राइसिस, क्या उसकी वजह से वर्ल्ड वॉर हो सकती है और उसे कैसे मैनेज किया जाए कि वाटर क्राइसिस की वजह से वर्ल्ड वॉर ना हो। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आपको इंट्रो लिखिए, इंट्रो में ज़्यादा बड़ा नहीं लिखिए, इंट्रो आप कोशिश करिए लिखने में कि 4 लाइन में आप इंट्रो ख़त्म कर दें अपना, 4 से 5 लाइन में, और उसमें स्टार्ट कीजिए कोटेशन से। देन इंट्रो स्टार्ट करने के बाद आप उसमें डायरेक्टली जंप कर जाइए क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो वाटर क्राइसिस क्यों हो रही है, क्या रीजंस हैं, ठीक है, क्या उसके प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, क्या किसकी वजह से वो हो रहा है, और क्यों हो रहा है, कहाँ हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। और फिर आखिरी में ये जब क्यों, कहाँ, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसके बाद आपको ये ज़रूर लिखना है कि जो एक केस स्टडी ज़रूर लिखनी है। और केस स्टडी का मतलब क्या होता है, केस स्टडी का मतलब ये होता है कि कहाँ ये आजकल हो रहा है। तो साउथ अफ्रीका में जैसे आपने सुना होगा कि 0 आर की संभावना आने की, 0 आर मीन्स की, सॉरी, 0 क्राइसिस, जिसकी वजह से जब वाटर क्राइसिस हो जाएगी, बिल्कुल वाटर ख़त्म हो जाएगा वहाँ पर, तो वो एक आर होगा जब आने का, जिसके ज़्यादा चांस होंगे। तो ये एक, मतलब मैंने एक केस स्टडी लिखी थी साउथ अफ्रीका की, तो वो पर्टिकुलरली मेरे को लगा कि सबसे ज़्यादा बेनिफिटिंग पॉइंट था। प्लस इंडिया और चाइना के ऊपर मैंने लिखा था कि ब्रह्मपुत्र को लेकर थोड़े जो विवाद हैं, क्योंकि उस पर कोई ट्रीटी साइन नहीं हुई इंडिया और चाइना की, तो उसके ऊपर मैंने लिखा था थोड़ा सा। तो आपके लिए बेटर होगा कि जो न्यूज़पेपर से कंटिन्यूसली टच में है, और अपनी थिंकिंग्स को ब्रॉड कीजिए, पर्सपेक्टिव को बढ़ाइए, हर डायरेक्शन में लिखिए, ठीक है, और आखिरी में सोल्यूशन ज़रूर दीजिए। न्यूज़पेपर पढ़ने से ये सारी चीज़ें कवर होती हैं। प्लस मेरे को पर्टिकुलरली ये है कि मेरे को ये लगा कि जितने भी सर ने टॉपिक्स दिए थे मैंने उस पर लिखा, तो मेरे को फ़ायदा मिल गया उसका आखिरी में, जो टॉपिक सर ने दिए थे। तो ये आपका एसे राइटिंग का हो गया। तो ऐसे वर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं करा जा सकता। मेंस में अच्छे से नंबर खींचे जा सकते हैं, बहुत ईजी पेपर होता है, कोई बहुत मुश्किल पेपर नहीं होता है, बस आपको राइटिंग स्किल्स करनी है। और थ्रू आउट मैं बोलूँगा प्रैक्टिस करते रहिए रहिए रहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेंस एसे जो है, और हर पेपर में आजकल Tier 2 में आजकल पेपर को डिस्क्रिप्टिव बना दिया गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। मेंस में एसे के अलावा जो 30 मार्क्स का होता है, 400 वर्ड्स का, उसके बाद आता है प्रिसाइज राइटिंग या कॉम्प्रिहेंशन। एक एक पैराग्राफ दे रखा होता है, जिस बार जैसे इस बार ही आया था पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, और पुलिस की क्या कैसी क्या ऑर्गेनाइजेशन है, क्या हायरार्की है, क्या फंक्शनिंग है, कैसे पुलिस वाले लोग जो हैं स्ट्रेस जो हैं बेयर करते हैं, इस पर एक कॉम्प्रिहेंशन एक पैराग्राफ आया था। अब उस पैराग्राफ को पढ़ना है, उसके बाद उसके 5 क्वेश्चन थे जिसमें से आपको आंसर लिखने थे, और वो ज़्यादातर ईजी क्वेश्चन थे जो पैराग्राफ से ही निकल के आप लिख सकते हैं उसे डायरेक्टली, दो दो नंबर के क्वेश्चन थे, तो डैट मेक्स 10। 5 क्वेश्चन आया 2 नंबर के, 10 मार्क्स के, तो कॉम्प्रिहेंशन यहाँ कवर हो गया। उसके बाद आता है इसी पैराग्राफ को आपको प्रिसाइज राइटिंग लिखनी है इसी पैराग्राफ की। अब प्रिसाइज राइटिंग क्या होती है, प्रिसाइज राइटिंग में आपको कुछ नहीं है, जो पैराग्राफ जितनी पैराग्राफ की लेंथ है, जितने वर्ड्स हैं, उसको आपको अल्टीमेटली आधा करना है, 40% या 50% में लिखना है, वो भी अपनी लैंग्वेज में लिखना है। नाउ दिस इज सीरियस। अब ये थोड़ी सी एक सीरियस चीज़ है, क्योंकि ये प्रैक्टिस मांगता है, ऐसे राइटिंग और प्रिसाइज दोनों प्रैक्टिस के ही
चीज़ हैं जो बहुत ज़रूरी है। प्रिसाइज़ के लिए आपको काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मेरे हिसाब से, और हालांकि मैं प्रैक्टिस करके नहीं गया था क्योंकि मुझे लगा था कि मेरे को टाइम नहीं था, मैं प्रिपेयर करता साथ साथ किसी और एग्ज़ाम की भी इसलिए, लेकिन डजंट मैटर, कर सकते हो। कोई इतना बहुत कोई टिपिकल टास्क नहीं है, मुश्किल टास्क नहीं, आप लोग कर सकते हैं, कुछ इतना मुश्किल नहीं है। प्रिसाइज़ में कुछ नहीं, आपको पैराग्राफ पढ़ना है, समझ में आ गया उसे अपनी लैंग्वेज में लिखना है। ट्राई टू इंक्लूड ईच एंड एवरी पॉइंट्स, इंक्लूड करो सारे पॉइंट्स जो हैं पैराग्राफ में जो दे रखे हैं उनको अपनी लैंग्वेज में, और 40-50% वर्ड लिमिट में। बस आपने अगर ये लिख दिया तो आपको यहाँ पे मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये सारा सार था, काइंड ऑफ समरी बोल दो, जो ठीक है मैंने आपको बता दी अपनी स्ट्रैटेजी कैसे मैंने किया और अल्टीमेटली मैंने सिलेक्शन पाया। इंटरव्यू के लिए मैं आपको बता दूँ कि थोड़ा सा आईबी का क्लॉज है तो मैं ज़्यादा आपको बता नहीं पाऊँगा, बट स्टिल एक एक दो चीज़ें जो मतलब डिस्कस करी जा सकती है जो बहुत जनरल हैं, ये मैं बताना चाहूँगा कि आईबी के लिए जो है फॉर्म जो भरा जाता है इंटरव्यू के टाइम से पहले, उसको आप अच्छे से प्रिपेयर करें। वो फॉर्म से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन पूछते हैं, प्लस आप क्या कर रहे हैं, क्यों आपने टाइम लगाया है, इतना गैप क्यों लिया है, जॉब लगने में आपको इतना गैप है वो क्यों लगा है। जैसे मैंने बीटेक कर रखा था, मैंने एमटेक कर रखा था, तो मेरे को क्यों इतना टाइम लगा कि मैंने, या फिर मेरे को क्या ऐसा एक मोटिवेशन मिला कि मैं आईबी ज्वाइन करना चाहता हूँ इंस्पेक्टर की पोस्ट। तो इट्स ऑल अप टू यू कि आप कैसे प्रिपेयर करके जाते हैं। तो इंटरव्यू इज़ ईजी, बी कॉन्फिडेंट कि आपने क्या लिखा है और आप क्या करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, और इंटरव्यू में आप सक्सेस मिल जाएगी। कोई वो कोई लोग जो होते हैं, मानता हूँ सीनियर आईपीएस होते हैं और अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस होते हैं उनके पास, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अल्टीमेटली कोई बहुत ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं पूछता, लेकिन हाँ करंट इवेंट्स पर ज़रूर ध्यान रखना क्योंकि करंट इवेंट के क्वेश्चन मेरे से पूछे गए थे, प्लस आपके जो हाल फिलहाल में जो भी चेंजेस हो रहे हैं इस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ये आजकल बहुत ज़्यादा विजिट कर रहे हैं देशों में, तो और पर्टिकुलरली क्या उनकी विजिट का मोटिव है और कितना फ़ायदा उससे इंडिया को मिल रहा है, तो वो थोड़ा ध्यान रखना। प्लस नेशनल सिक्योरिटी, ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में नक्सलाइट मूवमेंट, टेररिज्म, ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं, ये आपको जड़ से पता होना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, प्लस अपने बारे में अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। और आप मेरे हिसाब से तो यही है कि ये सारी चीज़ें अगर आपने अच्छे से कवर कर ली तो ऑफकोर्स सक्सेस आपके सामने होगी, और ये हर एग्ज़ाम में मेरे हिसाब से काम आएंगी, आईबी के लिए ही नहीं सब एग्ज़ाम में काम आ जाएंगी। सो नमस्कार दोस्तों, और थैंक यू वेरी मच।